ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हवालात में। मुंगेली में रिश्तों को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है, जहां कलयुगी सौतेले पिता ने नाबालिग बेटी को हवस का शिकार बना डाला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सौतेले पिता ने बेटी से की हैवानियत। अकेला बाका नाबालिग को दबोचा, रिश्तों को शर्मसार करने वाली वारदात। पुलिस की गिरफ्त में दरिंदा। मुंगेली के सिटी कोतवाली थाना इलाके में रिश्तों को शर्मसार करने वाली वारदात दर्ज की गई है, जहां कलयुगी सौतेले पिता ने अपनी नाबालिग बेटी को हवस का शिकार बना डाला। पुलिस ने दरिंदे बाल कदास को गिरफ्तार कर लिया। बुझीपारा गांव से एक मामला प्रकाश में आया है। एक नाबालिग पीड़िता लड़की अपने माता के साथ आज दिनांक थाना सिटी कोतवाली मुंगेली में रिपोर्ट दर्ज कराने आई थी। दिनांक 25/3/2018 को अपने पिता के लिए रात्रि 10 बजे खाना छोड़ने के लिए दुकान में गई थी अपनी बहन के साथ। उसी समय आरोपी पिता ने उसकी छोटी बेटी को लालटेन लाने के लिए भेजा, जिस पर अंधेरा होने की वजह से आरोपी पिता ने अकेलेपन का फायदा उठाकर नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया। वारदात बुचीपारा गांव की है, जहां आरोपी बालक दास ने दूसरी शादी की है और पीड़िता आरोपी की सौतेली बेटी है। वारदात वाली शाम 25 मार्च को वो अपनी छोटी बहन के साथ घर में थी, जब वो रोजाना की तरह अपने सौतेले पिता को खाना देने के लिए दुकान पर पहुंची, तभी अचानक बिजली चली गई और आरोपी बालक दास के सिर पर सवार शैतान ने मौका पाकर छोटी बेटी को लालटेन लाने के लिए घर भेज दिया। सौतेली बेटी को दबोच लिया। दुष्कर्म के बाद आरोपी ने पीड़िता को धमकी दी और अगर किसी को इसके बारे में बताया तो उसे जान से मार देगा। माता के घर से बाहर होने की वजह से वह 2-3 दिन तक किसी को नहीं बता पाई। आज दिनांक अपनी माँ के साथ आकर उसने रिपोर्ट दर्ज कराया, जिस पर अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। थाना सिटी कोतवाली में उसके खिलाफ धारा 376-4-5 पास्को एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध हो गया है। गिरफ्तारी आरोपी की हो चुकी है, न्यायिक रिमांड पर आइंदा रोज भेजा जाएगा। डरी सहमी पीड़िता ने घटना की जानकारी अपनी मां को दी, जिसके बाद मां ने उसे साथ ले जाकर पुलिस थाने में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने घेराबंदी करके आरोपी को दबोच लिया और उसे गिरफ्तार करके उसे जेल भेज दिया। मुंगेली से स्वराज संवाददाता रवि शुक्ला की रिपोर्ट। मुरैना में आज